दोस्तों नैनीताल की खूबसूरती को लगभग 2 दिवस से बराबर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और बच्चों को तो मैं दिखा ही रहा हूं, साथ में कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को भी यहां की सुंदरता से वाकिफ कराऊं। यहां की क्या खूबसूरती है, नज़र डालो तो एक गहराई ऐसी है कि आँखें मापने से जो है कतरा जाती है, और ऊँचाई भी देखते देखते तो देखते ही बन जाती है। मैं दिखाने का प्रयास, देखिए यहाँ की गहराई, फिलहाल ये गहराई देखिए कितनी नीचे और कहाँ हम लोग चल रहे हैं, जबकि हम लोग फिलहाल की अवस्था में नीचे की ओर ही जा रहे हैं। ये देखिए नीचे देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा झरना पानी निकल रहा था, और ये जो वृक्ष है इसी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं, चार चांद लगा रहे हैं कह सकते हैं। और अब मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को ऊपर से, देखिए जो पहाड़ियों का लोकेशन है, थोड़ा सा पेड़ों की यहाँ पर संख्या अधिक है। ये देखिए वो व्यू दिख रहा होगा सामने पॉइंट से, ये रास्ता जो नीम करोली बाबा या ये कह दें कि जो हम लोग निकल रहे हैं कैंची धाम के लिए, तो कैंची धाम के लिए निकल रहे हैं उस मार्ग पर ये खूबसूरती दिख रही है। देखिए दूर तक मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो पहाड़ियाँ हैं इतनी ऊँची ऊँची खूबसूरत सी वृक्षों से सजी हुई, ये मान करके चलिए कि इन पहाड़ियों ने श्रृंगार करके रखा और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनको अपने तरफ भिजाने के लिए श्रृंगार किया हुआ, वो बहुत ही खूबसूरत मतमस्त कर देने वाला, अपने एक तरफ लुभाने प्रलोभन देकर अपने अंदर हृदय में समेट लेने जैसी यहाँ की अवस्थाएँ स्थितियाँ। बहुत ही गजब का लोकेशन, बहुत ही अच्छा व्यू है, और बच्चे भी प्रफुल्लित हैं। फिलहाल हमारी गाड़ी में कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ हम लोग इस सफ़र का, चूँकि यहाँ जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अंदर घूमने के लिए टवेरा या अन्य गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें अधिकतम 9 बच्चे या 9 सवारियाँ लेते हैं, तो फिलहाल एक साथ नहीं कुछ बच्चों के साथ या कुछ साथियों के साथ ही इन वीडियोस का मैं आनंद आप लोगों तक दे रहा हूँ और खुद भी ले रहा हूँ। यहाँ का बहुत ही गजब लोकेशन है, फिलहाल ये लोकेशन देखिए, और आगे अगर कोई अच्छा व्यू दिखता है